पी रहा है, मस्ती कर रहा है महाराज, तो क्या कहते हो मामा चंद्र नहीं बना के रहेगा? महाराज कहते बच्चे के उल्टे दांत आ गए हैं, आठवां महीने में दांत आ गए, क्या करना है? मामा पक्ष से कुलारी बन के आ जाए, वो धारण कर लो, क्योंकि मामा पक्ष का किया गया जो कुछ भी कृतज्ञ होता है उससे उस घर का कृतज्ञ दूर होता है, वृद्धि होती है। तो कंस भगवान कृष्ण ने कहा भाई कंस हमारे मामा है, हम मामा के कपड़े पहने, मामा के कपड़े पहनने से हमारी दीर्घायु हो और धोबी ने कहा मना किया, लेकिन सुनो अब यह ध्यान आना चाहती ना इतना भाई सुनने से, ये धोबी कौन है? वही धोबी है राम अवतार में अयोध्या में जिसने सीता के लिए कहा था अपनी पत्नी को पीटना है, अपनी पत्नी को पीट रहा है, और क्या बोला राम अवतार में, मैं वो राम नहीं हूँ कि जो है सीता का हरण करके पुनः अपने अयोध्या में ले आया, ऐसी पत्नी को तो मैं छोड़ देता हूँ। आज वही यहाँ धोबी का रूप में प्रकट हुआ कंस के यहाँ, और भगवान ने राम अवतार में तो मर्यादा का रूप धारण किया हुआ, राम अवतार में मर्यादा का रूप धारण, और राम अवतार में नहीं मार सकते, कृष्ण अवतार में भगवान ने मुष्टिका से उसका प्रहार कर दिया और गोविंद आए नमो नमः सामने दर्जी आया, दर्जी ने तुरंत उन कपड़ों को सिला, भगवान कृष्ण बलदेव को राज दरबार के कपड़े पहना दिए। महाराज बहुत साल से माली था ये, वो क्या करता डेली फूलों को ले जाता था कंस के यहाँ, कंस को जो है शोभा के फूलों पर करता था, आज वो धन्य हो गया कि आपने यहाँ के फूल भगवान को अर्पण कर रहा है, उसका भी उद्धार हो गया। और उसका जीवन का भी उद्धार हो गया, और महाराज जब इस प्रकार का कर्तव्य हुआ तो क्या कर्तव्य पूर्ण होने के बाद भगवान कृष्ण जो है भ्रमण करने लगे, भ्रमण करते करते देखा सामने से एक कन्या तो है पर वो उबड़ी है, वो क्या कर रही है, उसका क्या काम क्या था? चंदन घिसना, चंदन घिस करके जो है कंस राजा को लिया लेना कि तुम अपने मस्तक के मिलने के लिए। सुखदेव मुनि बोले हे राजा, जब वो कन्या जब जा रही थी इस प्रकार के कृतज्ञ से जब जा रही थी तो मार्ग में भगवान कृष्ण और बलदेव मिल गए। भगवान कृष्ण का ये देवी तुम कौन हो, कहां जा रही हो, ये चंदन का कटोरा कहां ले जा रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा महाराज मैं कंस की दासी, मैं क्योंकि ये कंस की मनोवादी दासी थी, और बोला मेरा नाम पूजा है महाराज, मेरा काम है चंदन घिसना राजा कंस को देना। तो भगवान ने कहा हे देवी क्या आज का चंदन आप हम पे लगा दो ना, और महाराज उस कुंजा स्वरूपी देवी ने चंदन भगवान कृष्ण बलदेव पे लगाया, और चंदन लगाते ही जब चंदन लगाया तो उस देवी ने ये कहा प्रभु आज मैं धन्य हो गया। तो भगवान ने कहा यदि तुम अपने जीवन में कुछ चाहते हो ना, बोला महाराज मैं ये चाहता हूं ना सब मुझे लोग पूजा 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 कहते हैं, बसूरत कहते हैं, आज तुम मेरा जीवन का उद्धार कर दो। भगवान ने तुरंत उसके दोनों पैर के अंगूठे दबाए और उसकी चूड़ी पकड़ी, और चूड़ी पकड़ते ही
कुबजा जो थी वो सर्वांग सुंदर कन्या बन गई, सर्वांग सुंदर स्त्री बन गई कन्या। कुबजा ने देखा, रोने लगी, भगवान को प्रणाम किया, कन्या बोलो महाराज आज आपने इस मथुरा नगरी में मेरा हाथ भी पकड़ लिया, मेरी जो है गाल भी पकड़ लिया, महाराज अब मेरा जीवन का उद्धार क्या होगा। भगवान ने कहा जा अवश्य मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, मैं तेरे साथ वरण करूंगा। गुरु बाके बिहारी लाल की जय। महाराज भगवान धनुष यज्ञ में प्रवेश हो गए, धनुष यज्ञ में जब गए और धनुष यज्ञ में जाकर के वहां पे जो है पुष्प दृष्टि इत्यादि होने लगी और धनुष यज्ञ के साले में पूछे पूछे कौन गए, सब लोग देखने लगे, बड़े बड़े ब्राह्मण इत्यादि देवता सब देखने लगे कि भाई क्या है। अंत में कथा टीवियो धनुष यज्ञ कृतज्ञ में जब चाहे पहुंचे सारे यज्ञ सालों में बैठ राजा महाराजा देख रहे हैं, भगवान कृष्ण धनुष यज्ञ देखने गए, सब हंसने लगे ये बालक धनुष देखेगा धनुष तोड़ेगा। भगवान कृष्ण जब गए आगे उन्हें धनुष के यज्ञ साले में पहुंचे कि धनुषोया भजामानस्य सावधानं कारोदसी महाराज धनुष यज्ञ के साला में भगवान कृष्ण ने जूही धनुष को पकड़ा और धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही कंस की नगरी में जो छज्ज होने लगा, कंस घबराने लगा, अरे क्या हुआ, अब शगुन होने लगे कंस को, क्या हुआ भाई। बोला महाराज आपने अर्जुन जी के साथ मथुरा नगरी से दो बालक बुलाए हैं ना, इन्होंने धनुष तोड़ दिया है। कंस समझ गया अब मेरा समय आ गया, कंस ने पूरा